जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमने क्या क्या चैप्टर है हमारे चैप्टर में और क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर वन की बात करते हैं। चैप्टर वन जैसा कि आपने देखा है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ओके। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में आप देखेंगे सबसे पहले बेसिक चीजें, एवरीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर सब्जेक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डेटा। डेटा क्या होता है? आपने डेटा का जो नाम है कई बार सुना होगा, ओके। सभी को पता भी होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, डेटा इज अ रॉ मटेरियल फैक्ट्स और फिगर, ओके। डेटा कोई भी चीज हो सकती है, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें आप लोग देखते हैं वो सारा डेटा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल फैन, चेयर, बुक्स, एवरीथिंग इज अ डेटा, बट डेटा की कोई खुद की मीनिंग नहीं होती है, ओके। डेटा इटसेल्फ हैव डजंट एनी मीनिंगफुल सेंस, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल मैंने दिया है goes to school Ram, we have three words, Ram goes to school Ram। अगर हम goes to को individually लेते हैं तो इसका कोई यहाँ पे meaning नहीं है, school का कोई meaning नहीं है और Ram का कोई meaning नहीं है। जब तक हम इसको किसी से relate नहीं करते हैं ये अपने आप में complete नहीं है, okay। So this is all about data, data is meaningless, okay। देखिए सेकंड देखते हैं हम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, ओके। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इस तरह से उसको रीअरेंज करते हैं कि उससे हमको कुछ ना कुछ मीनिंग मिलता है, दैट इज योर इंफॉर्मेशन, ओके। सो इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। यू कैन सी हियर, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, इट हैज मीनिंगफुल सेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी डेटा को, देखिए आपने आपका जो डेटा था इसी को मैंने रीअरेंज किया है, सही तरह से मैंने इसको कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, इट हैज सम मीनिंग। आप इससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।